देखिए वीकेंड है और वीकेंड को स्पेशल बनाना हमारा काम है, तो आपसे वादा किया था तो निभाएंगे, क्योंकि जब वादा किया नेवर माइंड गाना नहीं गाएंगे, लेकिन घूमने जाएंगे, लद्दाख की सैर करेंगे विद द वन एंड ओनली आदिति। ये वाली आदिति नहीं, वो वाली आदिति बात कर रहे हैं, आदिति गुप्ता की। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज आपकी और हमारी डेट है आदिति गुप्ता के साथ। याद रखिए, दिस इज एन SBS ओरिजिनल्स। रणछोड़ दास चांचड़ का नाम तो सुना ही होगा आपने, वही अपने थ्री इडियट्स वाले फुनसुक वांगड़ू। कहीं से अदिति गुप्ता को ये खबर मिली कि फुनसुक वांगड़ू छुट्टियां मनाने के लिए लद्दाख पहुंच गए हैं, तो बस द ग्रेट रैंचो से मिलने के लिए अदिति ने भी बैग पैक कर लिया और सास बहू और साजिश को अपना साथी बनाकर निकल पड़ी लद्दाख की अनजान पहाड़ियों के बीच रैंचो और उनके स्कूल को ढूंढने के लिए। रैंचो की खोज में अदिति और सास बहू और साजिश का सबसे पहला पड़ाव था खार दुंगला की चोटी, जो कि जमीन से पूरे 18,380 फीट ऊपर है। यहाँ बाइक और गाड़ियों से पहुँचना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल यहाँ पर सांस लेना है, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। I will go. And, बहुत ज्यादा ठंडी है, I think, the temperature would be 10 degrees or 6-7 is what they are saying, I don't know. So, aise gloves wali halat hai. So, let's go and see and explore the place. अदिति को लगा कि शायद पहाड़ी पर रैंचो साहब होंगे, तो इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद भी वो इस पहाड़ी को चढ़ने के लिए निकल पड़ी। आराम से अदिति, आराम से, फुनसुक के चक्कर में कहीं आपका वांगड़ू ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। इट वॉज डिफिकल्ट, आई स्वेयर। मतलब कैमरामैन और मेरी हालत इतनी ख़राब, हम लोग ऐसे रुक रुक के एक दूसरे का हाल पूछ के आए कि पैल्पिटेशन तो नहीं हो रहा है, ऐसे हार्ट बीट बहुत फास्ट तो नहीं हो रही है। डिफरेंट थ्रिल, लाइक इट्स लाइक अ यो काइंड ऑफ थ्रिल विच आई एम गोइंग थ्रू। खैर, यहाँ तो काम बना नहीं, लेकिन हाँ, अदिति ने SBS के नाम का झंडा जरूर गाड़ दिया। और अदिति की मेहनत से खुश होकर ऊपर वाले ने उन्हें एक छोटे से स्नोफॉल से नवाज भी दिया, जिसमें हमने भी टाइटैनिक वाला पोज दे दिया। खारदुंगला की पहाड़ियों को चढ़ने के बाद अब बारी थी एक बड़ी ही शांत और खूबसूरत मॉनेस्ट्री देखने की, और ये मॉनेस्ट्री यानी कि बौद्ध स्मारक दुनिया के सबसे जाने माने मॉनेस्ट्रीज में से एक है।
अदिति को लगा कि शायद रैंचो शांति की खोज में यहाँ आए हो, तो इसी बहाने मॉनेस्ट्री में चला जाए और इस दिव्य बौद्ध स्मारक का एक्सपीरियंस भी कर लिया जाए। हम हेमिस मॉनेस्ट्री में हैं जो एक्चुअली लद्दाख की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स बियॉन्ड ब्यूटिफुल। ये जो है ये गुडलक चार्म होता है जो आप हर जगह देखोगे, हर दरवाजे पे देखोगे। इनफैक्ट वहाँ पर जो टेंपल है, टेंपल के बाहर पर भी आपको दिखेगा। यू नो आई एम ऑलरेडी फीलिंग कि जो पीस होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सच प्लेसेस पे बहुत जल्दी आ जाता है। एंड आई थिंक इट्स कम एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय दैट। ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस मैं अंदर थी, वहाँ पर बैठी थी। द मॉन्क वॉज इन साइड, ही वॉज चैंटिंग, और चैंट के साथ साथ ना वो जो बेल्स होते हैं वो बजा रहे थे। हम 5 मिनट वहाँ पर बैठे हैं। इट वॉज पीसफुल, बियॉन्ड पीसफुल। आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्रेस कि वो कैसी फीलिंग होती है, बट बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही पीसफुल थी। वैसे अदिति, मानना पड़ेगा आपके रॉब को मुंबई में ही नहीं बल्कि लद्दाख में भी आपकी पहुंच है। देखिए ना, अदिति की इच्छा हुई कि लद्दाख में भी साइकिलिंग की जाए, तो बस फिर क्या था। सो ये हैं डॉक्टर शंकर, जिनकी बाइक हमने हाईजैक कर लिया फॉर लाइक 5 मिनट्स बिकॉज आई वांट टू राइड एंड द व्यू इज सो नाइस। थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू जस्ट राइड एंड जस्ट एंजॉय द प्लेस। कहते हैं कि लद्दाख की जमीन कुछ अलग ही तरह के पत्थर उगलती है। हर पत्थर का आकार कुछ अलग होता है और अगर उसमें से आपको अपना मनपसंद शेप का स्टोन मिल जाए तो क्या कहने। उन सब में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी होते हैं। हम ये कर रहे हैं क्योंकि एक थेरोपेटिक भी होता है, क्योंकि हर एक स्टोन को आप देख रहे हो, उसको निकाल रहे हो, उसमें देख रहे हो उसकी क्या क्वालिटीज़ है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है। और वो बिकॉज ऑफ दैट होल थेरोपेटिक वे ऑफ डूइंग इट, आई थिंक इट्स हेल्पफुल। एंड आई थिंक हमें बड़ा जोर से रिलैक्सेशन चाहिए बिकॉज हमने ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लिया, तो हमें और ज़्यादा रिलैक्स करना है। सो लेट्स डू दिस। अदिति हर एक स्टोन को ध्यान से देख रही थी, जैसे कुछ खास ढूंढने की कोशिश कर रही हो। लीजिए, फाइनली अदिति को वो मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। ये गणपति जैसा दिख रहा है एंड इसके बाद तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। यू नो आई एम द विनर एंड भगवान जी ने मुझे गणपति दिया है। दिस आई एम टेकिंग, दिस इज माय सुविनर। लिटरली आई डिड नॉट बाय दिस बट आई जस्ट फाउंड इट। क्या बात है अदिति, आपने साबित कर ही दिया कि भगवान कण कण में है।
अदिति वो देखिए, भाग मिल्खा भाग। नहीं नहीं, हम फिल्म देखने के लिए नहीं कह रहे, हम तो आपको लेकर आए हैं उस मैदान में जहाँ पर फिल्म भाग मिल्खा भाग का वो सीन शूट हुआ था जिसमें फरहान ने अपने पैरों पर टायर बांधकर ट्रेनिंग की थी और उसके बाद इस जगह का नाम भी फिल्म के नाम पर पड़ गया। अदिति इस मैदान में मशक्कत कर लीजिए, क्या पता रैंचो को ढूंढने की प्रेरणा आपको यहीं से मिल जाए। जो कि हमारे महाराष्ट्र हैं, नासिक से हैं, सो ही स्टेइंग हियर फॉर 3 इयर्स, तो थैंक यू, उन्होंने मुझे पूरी राइड कराई। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट वाज वो जो स्लैंड था वो ऐसा वाला, ओहो मेरे ना, मैं तो रोक गई थी, मतलब उन्होंने स्पीड नहीं देते तो आई थिंक तो मैं वहीं ऐसे बीच में लटकी हुई होती, बट इट वाज सुपर फन। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली। कई घंटों की मेहनत के बाद अदिति को रैंचो तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये छुटकू जरूर मिले जो कि बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं थे, बल्कि हमें देखते ही अपने बिल से बाहर आ गए। कुछ देर इन जनाब के साथ खेलने के बाद अदिति को लगा कि प्रकृति की गोद में आए हैं और नेचर के नजदीक ना जाए तो क्या फायदा। Can you hear this? Like, you know, जो आवाज है पानी की, आई एम श्योर यू ऑल कैन हियर इट, नॉट एज क्लियर एज आई कैन। ये इतनी पीसफुल है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं यहाँ पर आई थिंक मैं साल बिता सकती हूँ जस्ट विद दिस वॉइस, लाइक जस्ट विद दिस एज माई बैकग्राउंड। तो अदिति ने चिल किया इस खूबसूरत सी लेक के पास, जिसका एक्सपीरियंस बयां करना कोई अदिति से सीखे। मुंबई का जुहू बीच या फिर ये, डेफिनेटली ये, मतलब लुक एट दिस, द कलर ऑफ द वाटर इज ग्रीन ब्लू, मतलब मुझे मेरे पैर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा जुहू बीच में हो गया ना तो आई वुड लव जुहू बीच ऑल्सो, सीरियसली जुहू बीच पे ना, यहाँ पर अगर खड़े हो जाओ ना तो ऐसे पॉलिथीन आके टकराती है, इट्स दैट हाल्स, आई एम सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ। मैंने यहाँ से बहुत सारे फोटोज देने और इतने लोगों को जलाना ना मैं बता नहीं सकती हूँ, और लोग तो यहाँ पर नहा रहे हैं, कपड़े उतार उतार के नहा रहे हैं, अंदर घुस घुस के, मतलब हाओ ओ अंकल तुम फोटो खींचने के लिए भाग भी रहे, वाओ दैट्स सो यू डेयर डूइंग समथिंग, ऐसा कुछ करने हैं डेफिनेटली, इफ यहाँ पर अगर एक वैनिटी वैन हो या मेरा घर हो या मैं यहाँ रह रही हूँ तो डेफिनेटली मैं ये जरूर करूँगी, लेकिन अभी कपड़े नहीं है। लद्दाख में रैंचो को ढूंढने का क्लू भी हमें वहीं पानी के किनारे मिला, और वो था ये स्कूटर जिस पर बैठकर करीना शादी से भागकर यहाँ आई थी। अदिति रैंचो मिल गया। जैसे ही अदिति को ये जादुई लव सुनने को मिले वो दौड़ पड़ी,
रैंचो से मिलने के लिए। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि पूरी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर, ताकि रैंचो से उनकी मीटिंग यादगार हो जाए। तैयार होने के बाद और थोड़ा सा शर्माने के बाद, जैसे ही अदिति रणछोड़ दास मीटिंग पॉइंट पर पहुंची, तो उन्हें रणछोड़ मिले, लेकिन एक कैफे के रूप में। जी हाँ, यहाँ पर एक रैंचोस कैफे भी है जो सभी को ऑल इज वेल कैसे बना जाए ये सिखाता है। ऑल इज वेल, सब कुछ हिल गया। ये बाय द वे, ये लद्दाख का यू नो ट्रेडिशनल शादी वाले कपड़े हैं जो एक लड़की पहनती है। एंड गाइज, मेरी शादी नहीं हो रही है, लड़का तो बिल्कुल भी कश्मीरी नहीं है और मुझे पता ही नहीं है लड़का कौन है, बट आई एम रेडी। रेडी होने में क्या जा रहा है, किसी भी टाइप के शादी का जोड़ा ना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है पहनने में। सीरियसली, लुक एट दिस, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट्स वेरी हैवी। आई कांट इवन, मतलब मेरे को फेस भी इसे ऊपर नहीं हो रहा है, मैं फंस गई हूँ, ऐसे लेफ्ट राइट भी नहीं हो रहा है। तो आई गेट द फीलिंग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं शूटिंग ही कर रही हूँ फिलहाल तो। जाने कहां से अदिति को शादी का ख्याल आया, और जब आया तो एक ही सेकंड में वहां पर उन्हें अपना वुड बी जीवन साथी भी मिल गया। एक्चुअली मुझे लड़का मिल गया है, ये मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे चीजें करने में ना मुझे, मैं बड़ा शाय हो जाती हूँ, बट आई थिंक आपको मैं लड़के से एक्चुअली मिला ही देती हूँ। आइए। नहीं नहीं, ये वाले नहीं है। लड़का बेसिकली, एंड आई एम गेटिंग मैरिड टू हर, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू हर। क्या अदिति, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर दोस्ती की बात है तो SBS हमेशा आपके साथ है। या सो हाय, सो मच इन लव। अब एक्चुअली फूलों के साथ आई एम गोइंग टू एक्चुअली डांस विद हर। अकेले ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इनका आइडिया था, अब इनको भी फंसा दिया मैंने। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों, दिल को छू जाने वाली वादियों में घूमते घूमते अदिति पहुंची उस स्कूल में जहां शायद हर एक बच्चा पढ़ना चाहेगा, क्योंकि यहां पर पढ़ाई भी खेल खेल में होती है, लेकिन हाँ, पढ़ाई को खेल नहीं समझा जाता। हेलो, स्कूल चले हम। एक्चुअली ये मेरा स्कूल नहीं है, ये है रैंचो का स्कूल, जहाँ पर आपने शूटिंग देखी है 3 Idiots की, ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर वो शूट हुआ था। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मैं कभी भी किसी भी शूटिंग वाली जगह पे नहीं गई ना, तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पर झूला झूलने पे भी बड़ा मजा आ रहा है। जानते हैं कि ये स्कूल किसका है, रणछोड़ दास चांचड़ का, क्या पता वो भी यही मिल जाए। के लिए मेरे को ना सीसो और इस ये करने में बड़ा मजा आता था, बहुत गिरी हुई मैं, बहुत घुटने तोड़े हुए हैं मैंने छिल के। एंड अगर पता है ऐसा स्कूल हो ना, ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशन पे, लोकेशन देखो जरा, माउंटेन से माउंटेन, मैं रोज आऊंगी स्कूल, पक्का प्रॉमिस, मम्मी को कोई नाटक नहीं करूंगी। तीन दिन बीत चुके थे, ना तो लद्दाख से जाने का मन हो रहा था और ना ही रणछोड़ दास मिले, और अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना बाकी था, जिसके लिए हर लड़की दुनिया की हर कठिनाई पार कर सकती है, जिसे हम शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। अदिति, यहाँ आप शॉपिंग करने में बिजी थी और उधर रणछोड़ दास जी वापस अपने घर चले गए, मगर कोई बात नहीं, रैंचो मिले नहीं तो क्या, लद्दाख में इतनी प्यारी यादें तो जुटाने का मौका मिला, ढेर सारी सेल्फीज लेने का तो मौका मिला, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने फैंस के लिए सास बहू और साजिश के साथ लद्दाख को एक अलग नजरिए से देखने का तो मौका मिला। वैसे आपके और हर्षद के फैंस के लिए खुशखबरी है, लेकिन वो आज नहीं बल्कि कल देखने को मिलेगी, सिर्फ यहाँ और कहाँ। लद्दाख से कैमरामैन आतिश कामले और विभा कॉल भट्ट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
चलते हैं वहां जहां सिर्फ इश्क की बात होती है। क्या करें, इस इश्क को तो हर कोई कहता है इश्क, सुभान अल्लाह। अब सीरियल की बात कर रहे हैं ये तो आप जान ही चुके हैं। वेल, सीरियल में देखिए एक साजिश हो गई सैंडविच के चक्कर में, रोकती रह गई जारा, लेकिन एक सैंडविच के चक्कर में अपनी डाइटिंग तक त्याग दी किसने, कबीर ने, और खा गए सैंडविच। क्या है ये सैंडविच का राज, चलिए दिखाते हैं। एक सैंडविच ने कर दिया जारा के कबीर को मजबूर अपना डाइटिंग भुलाने के लिए। जारा मना करती रही, उसे रोकती रही, मगर कबीर ने सैंडविच खा ही लिया। सीन के बीच में हम लोगों ने बहुत सारे टेक्स किए, और जब भी वो मेरे हाथ में, नॉर्मली मैं बहुत अच्छा डाइट करता हूँ, देखिए मैं ओट्स खा रहा हूँ, इसमें ना शक्कर है ना कुछ है, सिर्फ दूध में पकता ही है, मगर जब वो मेरे हाथ में आ रहा था ना, पता नहीं क्यों मुँह में पानी आ रहा था ना, हैड टू कीप ईटिंग इट। एंड पूरी यूनिट चिल्ला रही मेरे ऊपर, क्या कर रहे हो, रुको यार, क्लोज के लिए बचा करो। मैं पेलते गया। सैंडविच वाज वेरी गुड। वैसे सैंडविच की सुगंध ही ऐसी है कि उसका लुत्फ उठाने निर्देशक भी आ गए, और ना ना करने वाली जारा ने भी खा ही लिया, क्योंकि ये सैंडविच है ही ऐसा। जारा, हम पानी दे रहे हैं तुम्हें। जारा इधर देखो, आंखें खोलो जारा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी सैंडविच है। भूख हमें भी लग रही थी, पता है ना तुम्हें? हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हारे लिए सेफ नहीं, कुछ नहीं। हाँ नहीं कबीर, अगर तुम खाओगे तुम्हें कुछ हो गया तो हम खाएंगे तो हमें कुछ होगा ना, तुम तो बच जाओगे। जरा नहीं, हमें नहीं बच, जरा हमें नहीं बच, दरिया घोड़ा हो तुम, जरा हमें नहीं बच, नहीं जरा नहीं, इधर आओ तुम। कबीर के लिए ये सैंडविच बनाया है नीलोफर ने, और जारा नहीं चाहती थी कि कबीर इसे खा ले, क्योंकि उसे शंका है कि कहीं सैंडविच में नीलोफर ने कुछ मिला ना दिया हो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो, नीलोफर लेकर आई है, पता नहीं क्या मिला कर लाई होगी। जारा की इसी जासूसी वाले दिमाग से और शक करने की आदत से कबीर बहुत परेशान है। बट सीन के हिसाब से नीलोफर सैंडविच लेके आती है, कहती है कि कमरे में बैठ के मैं पागल हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ये वो, ऐसा ऐसी कुछ चीज़ें बोलती है। ज़ारा उस पर गुस्सा होकर उसे हटा देती है जल्दी से कमरे से। और जब मैं सैंडविच लेने जाता हूँ तो ज़ारा को लगता है उसमें कुछ पॉइजन है या कुछ ख़राब है जो मुझे मारने की साजिश है, और ख़ुद खा लेती है वो सांड या दरियाई घोड़ा, जो कहते हैं ना, चीज़ दरियाई घोड़ा खाना इतना पसंद है, और उसके बाद बस खेल शुरू होता है। भाई कबीर, सीरियल की बहू अगर जासूसी नहीं करेगी तो सीरियल की बहू कैसे कहलाएगी? इंडियन टीवी सीरियल्स की बहुओं के डीएनए में ही जासूसी होती है, जिसे वो नहीं मिटा सकती, इसीलिए तो सैंडविच में भी जारा को साजिश नजर आ रही है। भले ही खुद खाकर बेहोशी क्यों ना होना पड़े, जारा ने कबीर को सैंडविच खाने से बचा लिया है, या फिर ये कहें कि सैंडविच को खाने का उसी का खुद का मन था, शायद इसीलिए उसने भी साजिश रची हो। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुल्फी में बिचारी कुल्फी का एक्सीडेंट हो गया, और वो भी सिकंदर की आंखों के सामने। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी ही लाचार और हेल्पलेस फील कर रहे हैं हमारे सिकंदर, वर्सेस कि सबका खामियाजा भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। कुल्फी का हो गया है एक्सीडेंट, और खुद सिकंदर उसे अस्पताल लेकर आया है। बहुत टेंशन वाला माहौल है, और यहाँ डॉक्टर्स ने टेंशन बढ़ा दी है,
तो मीडिया वालों ने सिकंदर को ही दोषी मानकर उसे सवालों से घेर लिया है। बोलिए सिकंदर जी, कहीं ये एक्सीडेंट आप ही ने तो नहीं किया है ना? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मगर सिकंदर के लिए फिलहाल तो कुल्फी को बचाना ही सबसे बड़ा मकसद है। कुल्फी को तो मैं लेके आया हूँ, एक्सीडेंट होने के बाद मैं उसको हॉस्पिटल लेके आता हूँ और हॉस्पिटल में बहुत 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 ड्रामा है। मतलब ड्रामा इन द सेंस कि कभी होपफुल है कभी होपफुल नहीं है। कुल्फी मतलब विल स्टे अलाइव और नॉट, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये इसके लिए मैं चाहता हूँ ऑडियंस देखे। कुल्फी के लिए अस्पताल में फॉर्म भरते हुए उसके पिता के नाम के कॉलम में सिकंदर ने अपना खुद का नाम लिख दिया। शायद यही वजह है कि छोटी अमायरा सिकंदर से नाराज हो गई है, सिकंदर से रूठ गई है। अमायरा इज स्टिल जेलस है ना, अमायरा को डैडा का पूरा प्यार चाहिए है ना? नहीं अभी नहीं हूँ, अभी इस वाले सीन में नहीं थी। कुल्फी के बचने के सपने फिलहाल सिकंदर देखने लगा है। सपने में ही डॉक्टर को गले लगाकर शुक्रिया अदा कर रहा है। सर आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। कुल्फी के चाहने वाले भी यही कहेंगे कि सिकंदर का ये सपना सच हो जाए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। में मरियम जो है, लीजिए अब उनकी विदाई हो रही है। जी हाँ, हम छोटी मरियम की ही बात कर रहे हैं। वो जा रही हैं पाकिस्तान अपनी फूफी के घर। हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि लग रहा है कि अब इनकी कहानी सीधा वहीं जाकर रुकेगी। मरियम की हो रही है विदाई, क्योंकि मरियम अपनी फूफी के साथ देश छोड़कर जो जा रही है, पाकिस्तान जा रही है। और कोई नहीं चाहता कि नन्ही सी मरियम की विदाई हो, इसीलिए तो सब रोए जा रहे हैं। मरियम की बहन भी रो रही है और मम्मी भी, यहाँ तक कि पड़ोसी भी रो रहे हैं। पाकिस्तान जाके करूँ कुछ, अब फूफी को ठीक करूँगी, फूफी को कैंसर है ना इसलिए। मगर मरियम बहुत खुश है क्योंकि उसे आज बहुत अच्छी तरह तैयार होने का मौका मिला है। माथे पर हैट, आंखों पर काला चश्मा और नया फ्रॉक पहनकर तैयार होकर जब मरियम यहाँ विदाई से पहले आई थी तो बहुत खुश हो रही थी। उसके लिए तो मानो खुशियों की बरसात हो रही है और बरसती बरसात में वो अपनी खुशी जता रही है। मगर न जाने क्यों चिंता में थी मरियम की फूफी, जिनके साथ मरियम को जाना है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान नहीं पहुंच जाते तब तक इस फूफी को चैन नहीं मिलने वाला है। उसे डर है कि कहीं उसका राज खुल न जाए और अनुमान है कि ऐसा ही होगा। मरियम पाकिस्तान पहुंचे उससे पहले राज उजागर हो ही जाएगा और मरियम की इस हवेली में वापसी जरूर होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कितने स्वीट लग रहे हैं ना भाई, शगुन और रमन भल्ला। जैसे आप जानते हैं ना,
ऑन एयर चाहे शगुन सारी साजिशें करती हो रमन ईशिता के खिलाफ, लेकिन एक्चुअली करण और अनीता ग्रेट पैल्स इन रियल लाइफ। बहरहाल साजिशें तो हो रही हैं भाई, ईशी माँ के खिलाफ हो रही है सीरियल में। इशिता बहू को मारने की हो रही है साजिश, शायद इशिता के साथ यानी कि मिसेस भल्ला यानी कि रमन की माँ ही उसे मारना चाहती हैं। इसीलिए बीमार इशिता को दूध पिलाने के बहाने वो दूध का गिलास लेकर उसके कमरे में गई हैं। रमन ने माँ को अपने कमरे के दरवाजे पर देखा तो वो हैरान रह गया कि आखिर इतनी रात को माँ दूध लेकर क्यों आई है। संतोष भल्ला कुछ नहीं बोल रही, बस उन्होंने इशिता के पास जाकर दूध का गिलास खाली करने के लिए कह दिया। इशिता भी अच्छी बहू की तरह सास की बात मानकर दूध का गिलास खाली कर चुकी हैं और फिर मिसेस भल्ला वहां से उठकर बाहर जा रही हैं, मगर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला है यानी दूध में कुछ तो मिलाया है। आसमान में चमक रही बिजली भी इसी ओर इशारा कर रही है कि भल्ला हाउस पर भी बिजली गिरने वाली है, यहाँ कोई तो गड़बड़ जरूर है। इसमें विलेन का नहीं है, सिर्फ उस बच्चे को जो आदि का बच्चा है जिसका नाम भी हमने आदि रखा है, सिर्फ उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ मैं कि उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वो नुकसान अगर किसी के थ्रू भी जा रहा होगा तो वो आएगा लपेट। मिसेस भल्ला जिस तरह दूध का खाली ग्लास लेकर यहाँ से निकल रही हैं और जाते जाते इशिता के सामने बार बार देख रही हैं और इशिता के चेहरे पर भी कन्फ्यूजन वाले जो एक्सप्रेशन हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं, ये दूध पीने के बाद कहीं वो सदा सदा के लिए सो न जाए, क्योंकि सीरियल में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी दुश्मन बन जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।